हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेम्पो वाला व्लॉग्स में। तो आज हम केड़गांव जा रहे हैं। उधर से हमने जो फ्लाइट सेंटरिंग का वो लोड करके अपना बाबलेश्वर है उधर लेके जाना है, सीढ़ी के पास। सीढ़ी से पहले 10-15 किलोमीटर उधर लेके जाना है। तो अभी हम सुबह सुबह ही घर से निकल चुके हैं। तो अभी पहुँचते हैं केड़गांव और अपना गाड़ी लोडिंग करके निकलते हैं। अगर भाई चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलो चलते हैं। देखो दोस्तों, देख सकते हैं अभी हम कैनडी चौक में पहुंचने वाले हैं। तो आज मौसम भी एकदम साफ है क्योंकि तो रात में थोड़ी बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा ये होता, तो अभी धूप गिरी है। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं अपने केड़गांव के प्लाई के दुकान पर। और देख सकते हैं इधर मटेरियल भरपूर है और अपने बंदे लोग अभी गाड़ी लोडिंग कर रहे हैं। तो चलो अभी फटाफट लोड करते हैं और निकलते हैं क्योंकि दूर का सफ़र है भाई। तो निकलते हैं आराम आराम से और देखते हैं क्या होता है अपने साथ। तो दोस्तों अभी गाड़ी लोडिंग करके निकल चुके हैं। जो अपना बाबलेश्वर है उधर जाना है हमें प्लाई लेके। तो 1400-1500 किलो लोड है गाड़ी में। अभी अपने लिंक रोड से डायरेक्ट अभी कल्याण हाईवे पे लगने वाले, उसके बाद मलमार हाईवे और सीधा बाबलेश्वर। चलो अभी पहुँचते हैं आराम आराम से। तो भाई लोग MIDC के पास आ चुके हैं लेकिन बहुत ट्रैफिक है। सकते ये ब्रिज का काम चालू है इधर MIDC में, अभी धीरे धीरे चलना पड़ता है। चलो अभी पहुँचते आराम आराम। तो आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे, अभी डीजल भरा रहे अपनी गाड़ी में। तो 1000 का डीजल भरवाते हैं तो पहले भी कुछ डीजल बाकी है गाड़ी में तो इसलिए थोड़ा ही भराएंगे। तो चलो अभी हो चुका है अपना डीजल भरवाना, फिर निकलते हैं। दोस्तों रावरी में आ चुके हैं हम। आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार पूरे रोड पे। एक तो रोड ख़राब है मलमाड़ हाईवे, उसका बहुत काम चालू है दूर तक, उसमें ट्रैफिक तो बहुत टाइम लगेगा अपने को जाने में भी। क्या है भाई, जाएंगे अभी आराम आराम से, क्या ही करेंगे। चलो अभी पहुँचते। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं अभी सेंटर के अप्लाई के दुकान पर। ये 1:30 बज रहे, ये सामने अपना नगर वाला दुकान है, उन्हीं का दुकान है ये जो अपन अभी मटेरियल लेके आए। चलो अभी खाली करते, बंदा नहीं लग रहा इधर। इधर खाना पीना खाने गया रहेंगे शायद। चलो देखते, फोन करते उसको, गाड़ी अपनी खाली करके निकलते। तो भाई लोग देख सकते हैं अपना अभी गाड़ी भी खाली हो रहा है। तो चलो अभी एक कस्टमर भी आया है इनकी दुकान पे, तो उसको भी कुछ माल देना है अपनी गाड़ी में से। तो देख सकते ले रहा है गाड़ी में से निकाल के। तो अभी चलो खाली करते हैं फटाफट और निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये बंदा खाना खाने देर तक गया, खाने में टाइम लग गया, इसलिए रुकना भी पड़ा हमको। चलो अभी निकलते। तो दोस्तों गाड़ी खाली करके निकल चुके हैं हम ना बाबलेश्वर है। तो उधर से अभी पहुँचते हैं अहमदनगर, खाली करने में बहुत टाइम लग गया। चलो अभी क्या ही करेंगे भाई, रास्ता थोड़ा ख़राब है, कुछ इस तरह से रास्ता ही है। पहुँचते आराम आराम से। दोस्त आ चुके हैं रावड़ी के पास, देख सकते हैं मार्केट है रावड़ी का। रोड पे इधर ट्रैफिक इसलिए जाम है थोड़ा, पब्लिक रोड पे ज़्यादा आती है ना। चलो अभी पहुँच से, ये 40-45 किलोमीटर है अभी अहमदनगर। अभी पहुँचते आ रहा हूँ। तो दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं अपने अपना अहमदनगर के पास, पिसाबीड़ी में है। चलो अभी घर जाते हैं, अभी किसी का कॉल तो नहीं आया अभी शाम के 6:30 बज रहे। चलो पहुँचते आराम आराम।
दोस्तों, अभी घर पहुँचने से पहले अपना जो आज कार्निवल का बात करते हैं। आज का हमारा एक ही भाड़ा हुआ है, लेकिन दूर का भाड़ा था, 80 किलोमीटर के आसपास का भाड़ा था। 2600 रुपये भाड़ा मिला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। टेम्पो वाला ब्लॉग देखने के लिए शुक्रिया।